आईपीएस ऑफिसर यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, ये वो पद है जिसके लिए युवा बिना खाए पिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत के बाद आईपीएस के पेपर को क्लियर कर इस पद के मान सम्मान को पाकर इसकी जिम्मेदारियां उठाते हैं। आईपीएस ऑफिसर शहर की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनसे आप शायद अनजान हो, और आज हम आपको आईपीएस ऑफिसर की उन्हीं जिम्मेदारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारतीय सुरक्षा गार्ड, सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंडो तिब्बत सेना के साथ मिलकर काम करता है और इन्हें निर्देश भी देता है। एक आईपीएस ऑफिसर लोगों की सुरक्षा के साथ साथ सरकारी संपत्ति की जिम्मेदारी भी होती है। आईपीएस ऑफिसर का काम अपने शहर की सुरक्षा और शांति बनाए रखना और शहर में किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगों को फैलाने से रोकना होता है। शहर में शांति बनाए रखने के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर भी पास करते हैं। आईपीएस ऑफिसर के ऊपर शहर की सुरक्षा के साथ साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संरक्षण जिम्मेदारी भी होती है। राज्य में आयोजित किसी समारोह या रैली जिसमें पीएम या मुख्यमंत्री की मौजूदगी होती है, उस समारोह और रैली की पूरी जिम्मेदारी आईपीएस ऑफिसर पर ही होती है। आईपीएस ऑफिसर सरकार या कोर्ट द्वारा जारी किए गए नियम और कानून को भी शहर में लागू करता है और साथ ही ये भी ध्यान रखता है कि शहर में कोई उस कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा।